नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह, ओपन पोस्ट में आप सबका स्वागत है। ओपन पोस्ट में आज मैं बात करूंगा बिहार के बारे में। बिहार में कल एक नई पॉलिटिकल पार्टी जन स्वराज पार्टी का उदय हो गया। जाने माने पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट प्रशांत किशोर पिछले काफ़ी लंबे समय से बिहार में जन स्वराज यात्रा कर रहे थे और उनकी इच्छा थी कि एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ा करना चाहते थे। और लगभग 2 सालों तक उन्होंने बिहार में गांव-गांव कस्बों तक उन्होंने पदयात्रा की, लोगों को जगाया और फिर कल फाइनली उन्होंने अपनी पार्टी जन स्वराज पार्टी को लॉन्च कर दिया। कल पटना में वेटनरी कॉलेज में जो है बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता उपस्थित थे, लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग थे। एक तरह से काफ़ी भव्य कार्यक्रम था और बड़े पैमाने पर पार्टी का जो उद्घाटन बोलते हैं या पार्टी की शुरुआत हुई, तो एक तरह से बड़ी शुरुआत है जन स्वराज पार्टी की अगर कार्यक्रम के लिहाज से देखें। हालांकि यही कारण है कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि इतना बड़ा कार्यक्रम कैसे कर पाए, प्रशांत किशोर कहाँ से फंड आता है, ये सब बातें नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि जन स्वराज पार्टी के कल के कार्यक्रम में न सिर्फ बिहार के तमाम हिस्सों से हर छोटे बड़े कस्बे से लोग थे, बल्कि पूरे देश भर से बिहार के लोग आए थे, यहाँ तक कि कुछ विदेशों से भी लोग आए थे। तो कुछ एक तरह से बड़े पैमाने पर पार्टी की शुरुआत हुई है। और पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, पहले अध्यक्ष पार्टी के, वो एक दलित हैं, मनोज भारती बेसिकली IITian हैं और IIT कानपुर और IIT दिल्ली से पढ़े हैं, वो IFS रहे हैं और कई देशों में, वो करीब 4 देशों में उच्चायुक्त रहे हैं। तो एक तरह से इंडियन फॉरेन सर्विसेज के से जुड़े रहे हैं और बड़ी शख्सियत हैं, तो उनको उन्होंने पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी है। और प्रशांत किशोर ने पार्टी में कोई भी जिम्मेदारी नहीं ली है। कल पार्टी की घोषणा के साथ ही अब सवाल उठने लगा है कि जन स्वराज पार्टी के लिए बिहार में कितनी जगह है, उसका भविष्य क्या है और पार्टी से किस तरह के लोग जुड़ रहे हैं। तो ये बात का उठना स्वाभाविक है। दरअसल कल जो जन स्वराज पार्टी की स्थापना में जिस तरह की बातें हुई या जिस तरह से लोगों ने अपनी बात रखी, उसमें कोई नई बात नहीं दिखी। बेसिकली जन स्वराज पार्टी बिहार में विकल्प देने आई है। बिहार में जो वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ये माना जा रहा है कि बिहार कहीं ना कहीं फंस गया है, उस बिहार को निकालने के लिए एक पॉलिटिकल विकल्प देने की जो कोशिश है, उस तरह की कोई कोशिश दिखी नहीं। जन स्वराज पार्टी ने जो वादे किए उसमें कुछ नयापन नहीं था। जन स्वराज पार्टी ने कहा कि भाई बिहार में युवाओं को बिहार में ही रोजगार दिया जाएगा। जन स्वराज पार्टी ने कहा कि महिलाओं को जो है रोजगार करने के लिए, काम धंधा करने के लिए 4% पे लोन दिया जाएगा, उनको जो है आर्थिक सहयोग दिया जाएगा, या फिर जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग हैं उन्हें 2,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। उसमें कोई नई बात नहीं थी, कमोबेश वही बातें थी जो आमतौर पर सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ चुनाव में करती, कुछ उसी तरह की घोषणा जैसी बातें थी। हाँ, एक नई बात कल उसमें जो थी वो बिहार के लिहाज से है कि भाई जो बिहार में दारूबंदी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार ने काफ़ी लंबे समय से शराबबंदी कर रखी है, तो कल जन स्वराज पार्टी ने कहा कि शराबबंदी को पावर में आते ही 1 घंटे के अंदर उठा लेंगे। और जो शराब से जो पैसा आएगा, जो एक्साइज का जो पैसा आएगा, उससे बिहार में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन बनाया जाएगा। तो ये एक नई बात है, लेकिन कोई नई बात ऐसी नहीं है। दूसरे राज्यों में भी एक्साइज के पैसे से टीचर्स की सैलरी जाती, उत्तर प्रदेश बगल का राज्य है। तो बेसिकली कल जो सबसे बात जो परेशान कर रही थी वो थी कि इतने बड़े पैमाने पे इतना तामझाम के साथ पार्टी की शुरुआत हुई, लेकिन पार्टी में कुछ नई बात नहीं दिखी, पार्टी कुछ नई बात करती नहीं दिखी। अब सवाल उठता है कि पार्टी फिर आगे कैसे जाएगी। जन स्वराज पार्टी की जो सबसे बड़ी दिक्कत जो कल दिखी वो ये है कि पार्टी के पास कोई विचार नहीं है। यहाँ तक कि प्रशांत किशोर ने खुद कहा कि हम जो है ना तो लेफ्टिस्ट हैं, ना तो वामपंथी हैं, ना दक्षिणपंथी हैं, हम इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, बिहार में बेहतर लोग काम करेंगे, अच्छे लोग काम करेंगे, बिहार का विकास करेंगे। तो एक तरह से विचारहीनता की स्थिति है। जो एंड ऑफ आइडियोलॉजी वाली जो खेल है वो लगभग उसी को मानने वाले लगते हैं प्रशांत किशोर जी। उन्होंने मान लिया है कि विचारों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली है कि अच्छे लोग आएंगे, पार्टी पॉलिटिक्स करेंगे और अच्छे लोग चुने जाएंगे तो फिर विकास होगा। कुछ इसी तरह के मसौदे के साथ प्रशांत किशोर बिहार में नई पार्टी लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो जो विचारहीनता जो है, मैंने विचारहीनता नहीं, जो विचार नहीं है, कोई एक डिफाइंड विचार न होने के नाते जिस तरह की राजनीति बिहार में करना चाहते हैं, उसके लिए बिहार में कितना भविष्य है, यह अपने आप में एक
बहस का विषय है। सच्चाई यह है कि बिहार देश के बाकी हिस्सों की तरह से एक बड़े राजनीतिक पोलराइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। बिहार में दो धड़े हैं राजनीति के, समाज में भी वो दिख रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस के लोग हैं। तो एक तरह की वैचारिक पोलराइजेशन है, कांग्रेस और लेफ्ट के साथ, कांग्रेस और आरजेडी के साथ लेफ्ट है, यहाँ तक कि अल्ट्रा लेफ्ट है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है और समाज के तमाम दूसरे हिस्से हैं या नीतीश कुमार है। तो उस बेसिक पोलराइजेशन के दौर में बिहार में वो स्पेस कहाँ जहाँ प्रशांत किशोर आगे बढ़ेंगे। और एक ऐसे दौर में जब वैचारिक पोलराइजेशन हो रहा है, उस दौर में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें कैसे लोगों को जोड़ पाएंगे। निश्चित रूप से प्रशांत किशोर गांव खेड़े गए होंगे, लोगों से जुड़े होंगे, प्रशांत किशोर अच्छे वक्ता हैं, उनकी बातें लोगों को अच्छी लगी होंगी, लोग जुड़े होंगे। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी में लोगों को वोट में कन्वर्ट करना, लंबे समय तक बांध के रखने के लिए सिर्फ आपकी पर्सनल अट्रैक्शन से काम नहीं चलेगा, इससे आगे जाना पड़ता है। लोगों को एक लंबी प्रतिबद्धता की जरूरत पड़ती है। और ये सबसे बड़ा सवाल उस जन स्वराज पार्टी के साथ कल देखने को मिला। न तो पार्टी के फ्रेमवर्क में कोई विचार की थी, जैसे पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया कि भाई, एक बड़ी बात बोली कि भाई हम जो पार्टी का झंडा होगा उसमें अंबेडकर और गांधी दोनों होंगे। झंडे पे अंबेडकर और गांधी दोनों को रखने का बेसिक खेल है कि प्रतीकात्मक खेल है। तो जन स्वराज पार्टी कुछ उसी तरह से प्रतीकों से खेलना चाहती है कि भाई झंडे पे गांधी जी भी होंगे और अंबेडकर होंगे। अंबेडकर और गांधी दो अलग अलग विचार की हैं, उनको साधना कौशल की बात है, लेकिन उस साधने के लिए भी आपके पास विचार होनी चाहिए। आप ये सिर्फ समझो कि दो लोगों की फोटो सामने लगा देने से, झंडे पे लगा देने से दोनों सज जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि समाज में इस वक्त वैचारिक हलचल बहुत ज़्यादा है, ये समाज अपने तरह के संकट से दौर से गुजर रहा है। बिहार भी गुजर रहा है, बिहार जहाँ इतनी गहरे सवाल है वहाँ निश्चित रूप से संकट गहरे हैं। तो वहाँ पे और गहरे रूप से वैचारिक स्तर पे एक इंटरवेंशन की जरूरत है, हस्तक्षेप की जरूरत है, जो नहीं दिखा इस पार्टी के कल के कार्यक्रम में। और लगा जैसे कि पार्टी जो है बिहार के तमाम अच्छे अच्छे लोगों को या तमाम सारे अलग अलग हिस्सों से लोगों को इकट्ठा करके लाई है। अगर कल उपस्थिति देखें लोगों की, तो ज़्यादातर काफ़ी रिटायर्ड अधिकारी थे, कुछ आईएएस आईपीएस थे जो नौकरी छोड़ के आए थे, कुछ पॉलिटिकल परिवारों के लोग थे, जो पॉलिटिकल परिवार बिहार में कभी अतीत में बड़ी शख्सियत रहे होंगे, उनके बच्चे थे, उनके फैमिली के लोग थे, या कुछ ऐसे पॉलिटिशियन थे जो आज से 10 साल पहले विधायक या सांसद रहे। तो एक तरह की बड़ा नोस्टैल्जिक सी भी फीलिंग थी, नोस्टैल्जिया बिहार का दिख रहा था। और ये था कि लोग बिहार के लिए, लोगों के मन में तड़प है, निश्चित है, और तड़प है, बिहार को लोग बेहतर करना चाहते हैं। यही कारण है कि लोग शायद प्रशांत किशोर की बात भी सुन रहे होंगे, वो शायद प्रशांत किशोर से उत्साहित भी हो रहे होंगे। लेकिन इसका हल देने के लिए पॉलिटिकल पार्टी को इंटरवीन करना चाहिए, जो कल नहीं दिखा। एक बड़ी खास सी बात थी, प्रशांत किशोर खुद बहुत कमिटेड नहीं दिखे। आप सोचिए कि जिस पार्टी को खड़ा करने के लिए प्रशांत किशोर पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं, गांव-गांव उन्होंने पदयात्रा की, लोगों से मिलने की कोशिश की, लोगों को समझा रहे हैं, वो प्रशांत किशोर ने पार्टी में कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई। सच तो है कि लोग प्रशांत किशोर के नाम पे जुड़ रहे हैं, प्रशांत किशोर जो बातें कर रहे हैं उससे जुड़ रहे होंगे, प्रशांत किशोर जो सपने रोप रहे हैं उससे लोग जुड़ रहे होंगे। प्रशांत किशोर को उन सपनों को हल देने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई जिम्मेदारी नहीं संभालते हैं तो लगता है कि आप बहुत कमिटेड नहीं हैं। मैं भगोड़ा नहीं कहूँगा, लेकिन आप कमिटेड नहीं हैं। और सच्चाई भी है कि प्रशांत किशोर की एक दिक्कत है कि प्रशांत किशोर वैसे भी जिस तरह के प्रोफेशन से आते हैं वहाँ कोई वैचारिक प्रतिबद्धता की बात नहीं होती है। प्रशांत किशोर 2011 में नरेंद्र मोदी के लिए काम करते थे, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, बाद में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने की पहले बार की जब प्रक्रिया शुरू हुई 2014 में, तब प्रशांत किशोर ने उनके कैंपेन डिजाइन किए, चाय पे चर्चा या दूसरे तरह की बहुत सारी कार्यक्रमों को कहा जाता है कि प्रशांत किशोर के दिमाग की उपस्थिति, सब ठीक है। फिर आप ममता बनर्जी के साथ भी काम आपने किया, आपने बिहार में नीतीश कुमार के साथ काम किया, फिर बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी भी ज्वाइन कर ली, जिम्मेदारी भी संभाली, फिर आप कांग्रेस पार्टी में भी जाने के मोड़ पे थे और कांग्रेस पार्टी को कुछ अच्छा बनाना चाहते थे। तो एक तरह से वैचारिक स्तर पे प्रशांत किशोर खुद जैसे लगता है कि अपने जो वैचारिक हलचल में है, वही कारण है कि वो किसी तरह के कमिटमेंट नहीं दिखा रहे हैं। सच्चाई ये है कि प्रशांत किशोर की जो अपनी वैचारिक फ्लूइडिटी है, जो उसमें स्थिरता नहीं है, जो उसमें कमिटमेंट नहीं है, वो पार्टी में भी दिखी और उनके कल के जो फैसले में भी देखिए कि उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं संभाली। मेरा मानना है कि इससे फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। सवाल उठता है कि बिहार में, क्योंकि पार्टी की शुरुआत है, हो सकता है पार्टी कल अच्छा करे, लेकिन अभी तत्काल सामने 4 महीने बाद चुनाव है, पार्टी जब चुनाव में जाएगी तो बहुत सारे सवाल भी उठेंगे, उनका हल भी आपको देना पड़ेगा और बहुत कम समय है। 4 महीने बाद बिहार, या 4 महीने 3 महीने जो भी है, आप चुनाव में जाएंगे तो लोग सवाल पूछेंगे कि आप बिहार को कैसे अलग कर देंगे, कैसे बेहतर कर देंगे। अब नीतीश कुमार को लेकर के या लालू यादव के
तेजस्वी यादव को लेकर के आप बयानबाजी कर देंगे तो इससे तो कुछ नहीं बदलने जा रहा है। वैसे भी आप लगातार वहाँ पे आरजेडी पे हमलावर हैं, आप जो है तेजस्वी यादव को कम पढ़ा लिखा साबित करने में लगे रहते हैं, या फिर आरजेडी के अतीत पे आप लोगों को बताते हैं, परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, तो लोगों के मन में एक मैसेज है कि प्रशांत किशोर कहीं कहीं आरजेडी को ज़्यादा हिट कर रहे हैं। आजकल नीतीश कुमार पे भी आप हिट कर रहे हैं, जैसे आप अभी एक दिन पहले प्रशांत किशोर ने कहीं बोला कि भाई नीतीश कुमार की लीडरशिप में बिहार में बीजेपी नहीं जीत पाएगी, बीजेपी के लोग भी जानते हैं, अगर बीजेपी नीतीश कुमार के साथ है तो सिर्फ इसलिए कि दिल्ली में सरकार बचानी है। तो कमोबेश माने प्रशांत किशोर की जो अपनी राजनीतिक समझ है उसमें बिहार के लिए कोई नया मसौदा नहीं है, वही प्रैक्टिकल व्यवहारिक बातें हैं जो लोग आमतौर पर करते हैं, जो प्रशांत किशोर भी करते रहते हैं और जिसके वो एक्सपर्ट हैं, लेकिन इससे लोग जुड़ेंगे ऐसा नहीं हो सकता है। राजनीति में लोगों को जोड़ने के लिए एक लंबी यात्रा में चलना पड़ता है, लोगों को बोलने से लोगों के विचार नहीं बदल जाते हैं, लोग भाषण सुन लेंगे और विचार बदल जाएगा। अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया का कायाकल्प हो चुका होता आज तक, बहुत सारे बड़े बड़े विचारक आए या लोगों ने अपनी बात रखी लेकिन उससे कुछ नहीं बदला। समाज को बदलने के लिए संघर्ष के रास्ते चलना पड़ता है, लंबी यात्रा में जाना पड़ता है, जो लोग उसको लीड करना चाहते हैं उनको खुद अपने आप को कमिट करना पड़ता है, प्रतिबद्ध होना पड़ता है, उनको एक संघर्ष यात्रा से गुजरना पड़ता है। प्रशांत किशोर को एक लंबी यात्रा में जाना है, अभी तक प्रशांत किशोर ने कोई संघर्ष नहीं किया है और ये पार्टी संघर्षों से उपजी नहीं है। कुल्ले देकर के ऐसा लगा जैसे कि ये कुछ केजरीवाल टाइप की पार्टी बनाने की कोशिश है, आम आदमी पार्टी टाइप की कोशिश। आम आदमी पार्टी लेकिन एक संघर्षों से उपजी थी, अन्ना हजारे आंदोलन से उपजी थी और उसके पक्ष में मोमेंटम था, पार्टी ने अच्छा कर लिया और दिल्ली में अपनी ज़मीन बना ली पार्टी के पास। लेकिन आम आदमी पार्टी की तर्ज पे अगर आप जाना चाहेंगे तो बिहार दिल्ली नहीं है, बिहार एक अलग प्रदेश है, बिहार बहुत ही राजनीतिक रूप से सक्रिय प्रदेश है, बहुत जागरूक प्रदेश है और वहाँ के चैलेंजेस बहुत गहरे हैं, वहाँ विचारों की गहरी ज़रूरत होगी। तो प्रशांत किशोर की जो पूरी तैयारी है, प्रशांत किशोर ने बड़ी मेहनत की है, एक बढ़िया टीम बनाई है, काफ़ी लोग उनसे जुड़े हैं, लेकिन प्रशांत किशोर इसको राजनीतिक रूप से सफलता के पायदान पर कैसे ले जा पाएंगे ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज दिखता है। प्रशांत किशोर से आगे कुछ दूसरे सवाल भी पूछे जाएंगे। प्रशांत किशोर जैसे ही चुनाव की तरफ बढ़ेंगे, जैसे कि आमतौर पर लोग चर्चा में भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर किसी न किसी इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर रहे हैं जो उनकी फंडिंग कर रहे हैं, जैसे वहाँ पर विपक्ष के लोग कहते हैं कि भाई प्रशांत किशोर शायद बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे होंगे। कई बात प्रशांत किशोर के राजनीतिक जो उनके व्यवहार से दिखता भी है, जैसे जब प्रशांत किशोर जो आरजेडी पे हमलावर हैं, कांग्रेस की बात होगी तो वो कुछ निगेटिव ढंग से बात उठा देंगे, या जाति जनगणना की बात होगी तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई जाति जनगणना ठीक है लेकिन उससे क्या हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में है पावर में वहाँ जाति जनगणना करा के वहाँ समाज बदल दे तो देखें, कुछ इस तरह की बातें करते हैं। तो वैचारिक स्तर पे कहीं ना कहीं एक तो आप तैयार नहीं है, दूसरा है कि आप आरजेडी और कांग्रेस को लेकर के आप बहुत सजग नहीं दिखते, या उसको वैचारिक जवाब नहीं देते बल्कि आप निजी हमलों को करते रहते हैं। राहुल गांधी के बारे में आप क्या देंगे कि भाई राहुल गांधी ने ठीक है 99 सीटें मिली लेकिन इंदिरा गांधी के जो सबसे बुरे परफॉर्मेंस थे वहाँ तक भी पार्टी नहीं पहुँची है। इस तरह की बातें जो हैं कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर पे सवाल उठाती हैं। प्रशांत किशोर जिन तबकों को जोड़ना चाहते हैं उन तबकों के अंदर बड़ी गहरी प्रतिबद्धता है। अब माइनॉरिटी में काम करना चाहते हैं, दलितों के लिए काम करना चाहते हैं, आप जो है अति पिछड़ों के लिए काम करना चाहते हैं, जबकि तीन की तीनों समाज बहुत ही कमिटेड हैं इस वक्त, वहाँ राजनीतिक सक्रियता बहुत ज़्यादा है, इन समाजों के मानस पटल पर बहुत कुछ नया चल रहा है, ये नए बदलावों की अपेक्षा रखते हैं। उन समाजों को आपको लगता है कि आप जोड़ लेंगे, माइनॉरिटी को इस भरोसे जोड़ लेंगे कि आप मुसलमानों को टिकट दे देंगे, दलितों को ऐसे जोड़ लेंगे कि आपने एक दलित चेहरा सामने खड़ा कर दिया। प्रशांत किशोर बहुत प्रैक्टिकल आदमी है क्योंकि वो खुद जानते हैं कि बिहार में अगर वो अपने को आगे कर देंगे तो शायद जो उनका जो ब्राह्मणिक पहचान है वो उनके लिए भारी पड़ जाए, लेकिन प्रतीकात्मक ढंग से बिहार में राजनीति करना इतना आसान नहीं होगा, इससे आप बहुत दूर नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी हैं चुनाव में एक नए पिलर के रूप में अगर काम करेंगे तो कुछ सीटें भी निकल सकती हैं भविष्य में, ऐसा हो सकता है क्योंकि तमाम सारी पार्टीज में टिकट नहीं मिलते हैं, काफ़ी अच्छे लोग जो हैं बगावत करते हैं, सोशल कॉम्बिनेशन बन जाता है। प्रशांत किशोर शायद अगले चुनाव में कुछ सीटें निकाल लें और किसी ऐसी भूमिका में आ जाए कि किसी नई सरकार को बनाने बिगाड़ने में उनकी भूमिका हो, जैसे बार बार वो कहते हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार के साथ नहीं जीतेगी, हो सकता है कि बीजेपी के साथ ही नया भूमिका तलाश रहे हों, या न भी हो सकता है प्रशांत किशोर कल खड़े भी हो जाएं, क्योंकि पार्टी खड़ी हो जाती है तो फिर पार्टी बदलती भी रहती है। जब भी कोई पार्टी शुरुआत में आती है तब उस पर इसी तरह के आरोप लगते हैं कि पार्टी किसी न किसी के लिए काम कर रही है, वो कठुआ पार्टी है, हर पार्टी को इसी भूमिका में होती है, बाद में पार्टी आगे बढ़ जाती है तो प्रशांत किशोर की पार्टी आगे भी बढ़ सकती है, उसकी संभावना है। लेकिन आज जो हालात हैं, जिन हालातों में पार्टी की शुरुआत हुई है और जिस तरह की बातें हुई हैं,
उसमें बहुत उत्साहित करने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी प्रशांत किशोर के मन में जो बिहार को एक बेहतर राज्य बनाने की इच्छा है या उसकी बेहतरी के लिए काम करने की इच्छा है, पार्टी की उन्होंने शुरुआत की है, शुरुआती दौर है, तो हमारी शुभेच्छाएं उनके साथ हैं, अपनी शुभकामनाएं उनके साथ हैं और हम इंतजार करेंगे, देखते हैं पार्टी आगे कैसी चलती है, पार्टी किस तरह से अपने आप को बदलती है या नए चैलेंजेस को कैसे फेस करती है। नमस्कार, बात करेंगे किसी और विषय पे अगले अंक में।